कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोगरा फाटक के समीप चेकिंग अभियान के दौरान एक स्कॉर्पियो की जांच की गई। इसी दौरान उस स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, साथ ही तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। तस्कर खुफिया तरीके से शराब की तस्करी कर रहे थे। स्कॉर्पियो के कई हिस्सों में तस्करों ने अलग अलग जगह पर शराब छुपाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वाहन के सभी सीट के अंदर एक फ्रेम बनाकर शराब को छुपाया गया था। साथ ही वाहन के इंजन वाले बोनेट में भी शराब को छुपाया गया था, जिसको बरामद किया गया। एसडीपीओ अमरकांत झा ने मुफस्सिल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन तीनों तस्कर नव वर्ष में शराब को खपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की चौकसी के कारण तीनों पकड़े गए। तीनों के पास से लगभग 162 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब तस्करों की पहचान मिथिलेश कुमार और धर्मेंद्र मंडल के नाम से की गई है, जो खगड़िया जिले के हैं, जबकि तीसरे का नाम लूटन सहनी है, जो बेगूसराय का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नववर्ष को लेकर बंगाल के रास्ते बिहार के अन्य जिलों में यह शराब ले जाया जा रहा था। टाइम्स न्यूज डेस्क कटिहार। जो उसका कनेक्शन बंगाल से माल वहीं जाकर के इन लोगों को डिलीवर करा के वो अपने दूसरे